Pankaj Tripathi to kindly say a few words. Namaste, Arunachal. माननीय मुख्यमंत्री जी स्पीकर साहब, हमारे भरत गुप्त जी वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री, शिक्षा मंत्री जी और माननीय लोकसभा सांसद और आप सभी कलाकार जो अरुणाचल के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। मैंने कहा कि आप जब अरुणाचल को और इंटीरियर में जाएंगे, देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अब मैं देखते रह जाना चाहता हूँ। मैं रिकिम से बात कर रहा था, सौभाग्य से यहाँ से दो बच्चे एनएसडी गए हैं, दोनों मेरे जूनियर हैं, एक सुख बहादुर और रिकिम। तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार सुदूर, तब हमें मालूम नहीं था कि अरुणाचल इतना बड़ा प्रदेश है, एरिया के मामले में असम से बड़ा है। मुझे आज पता चला कि एरिया में हमें आबादी के हिसाब से हम देखते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि इतने दूर के बच्चे आए हैं हमारे यहाँ पढ़ने। सुख बहादुर तो मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था 2004 में। तो जब इन्होंने बताया रिकिम कि हमें नाटक में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सीधे फोन कर देते हैं डायरेक्टर से, कलाकारों से बात करने के लिए कि कैसा चल रहा है, मुझे भी जानकारी मिली तो मैं सरप्राइज हुआ सच में, क्योंकि मैं आज तक नहीं सुना हूं और किसी प्रदेश में। आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी तो फोन करते ही नहीं है कलाकारों को, डायरेक्टर को सीधे, मंत्री और मुख्यमंत्री से दूर की बात है। तो मैं अक्सर बोलता हूं सर ये बात कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लाईओवर, ब्रिज, पुल, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं कि हमारा सुविधाजनक हो जाएगी, फिर जिंदगी किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर तो लाइफ को आसान कर रही है, फिर लाइफ किसके लिए? लाइफ आर्ट एंड कल्चर के लिए, लाइफ लिटरेचर के लिए, पोएट्री के लिए, स्वाद के लिए। हमारे सारे सेंसेज हैं ना, वो पुल का मजा नहीं लेते हैं और हॉस्पिटल का, वो मजा लेते हैं आर्ट एंड कल्चर का, संगीत का, लिटरेचर का, पोएट्री का। और ये काम आज मुझे दिख दिया सामने से कि अरुणाचल की सरकार बहुत बढ़िया से कर रही है। हिंदी इलाकों में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है कि हमारे यहाँ, और ये अच्छी बात है कि यहाँ शुरुआत है, पहले ये परंपरा नहीं थी। तो जिस किस्म से आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए आने वाले ताबा चाके, वो सिंगर है, हमारी फिल्म में गाना गाया था खड़क सिंह ने, मुंबई में जो भी कंपोजर मिलता है तो उससे बातचीत करके इनोसेंस देख के लगता है कि यार ये किस दुनिया से आया है लड़का। साथ शांतनु मोहित्रा बहुत बड़े कंपोजर है, तो मैं उन्हीं के साथ है, होती है क्या कहीं। तो मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ आके, मैं सच में आऊंगा, घूमूंगा पूरा। और इसको डायरेक्टर्स को भी, वहाँ हिंदी स्पीकिंग बहुत लोग हैं, तो तुम्हें वहाँ के लिए एक्टर को कास्ट करना है तो मुंबई से लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक और आप लोग आभार, जो मैंने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में 2017 में देखी थी और उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था, और दो जो कलाकार थे वो यहीं के ट्राइब्स थे, एक्टर नहीं थे, नॉन एक्टर, गांव के दो आदमी, एक आदमी और एक औरत, दो ही लोग थे उस फिल्म में। तो एक किसी दिन अगर हो तो वो फिल्म में बोलना है कि इस फेस्टिवल में दिखाना, मैं अमर को बोलूंगा भेज देंगे आपको फिल्म। तो हम लोग वो फिल्म, तो वो डायरेक्टर यहीं पला बढ़ा है और यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसके बाद जो उसने भेड़िया फिल्म बनाई थी, आई थिंक उसने यहाँ से यहाँ नहीं कही और शूट यहाँ किया था, क्या शूट करने आया था ना। हाँ, तो अमर तो है ही, वो यहाँ रहा है, मैं भी जाके लोगों को बोलूंगा कि अरुणाचल आओ, खूबसूरत लैंडस्केप है। लैंड पत्नी को बोल रहा था कि यार ये तो मुझे यूरोप से ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तो मैं तो आऊंगा, लगभग हर साल आऊंगा और घूमूंगा। और आप सबको थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला सच में, और मुझसे जितना बन पड़ेगा इस स्टेट के आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, लैंडस्केप के बारे में दुनिया के किसी भी मंच पे मैं बातें करता रहूँगा। थैंक यू। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा
पवित्रता को टूरिज्म जहाँ बढ़ता है, लोग आते हैं तो थोड़ा जगह की पवित्रता को नहीं समझे, बनेंगे कहीं गंदगी छोड़ जाएंगे। उत्तर के पहाड़ों में देख लीजिए, वो ना हो, आप यहाँ के पवित्रता को ध्यान रखें। Thank you.